एक दो मसले वुजू के वाजिबात के सिलसिले में, नमाज के वाजिबात के बाद वुजू में सबसे पहले जो चीज़ वाजिब है वो शराइत से हटकर अफआल वुजू में सबसे पहले नियत वाजिब है। बगैर नियत के वुजू नहीं होता। वुजू में नियत करना वाजिब है और नियत में कस्द कुर्बत वाजिब है। कस्द कुर्बत यानी खुदावंद मुताल की इताअत, फरमान बरदारी और रिजायत खुशनूदी के लिए अंजाम देने का कस्द है कि ये वुजू जो मैं अंजाम देने जा रहा हूँ ये सिर्फ खुदा के खातिर है और रिजाए खुदा के खातिर है, न उसमें कोई अपनी रिजा न दूसरों की रिजा शामिल ना हो, वरना वुजू बातिल है। एक एक इंसान कहे मैं वुजू कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा साफ हो जाए और धुल जाए और ठंडक भी मुझे मिले गर्मी में, मतलब इस तरह से खुलासा जिस जिसमें रिजाए इलाही और फरमानबरदारी इलाही, इताअत इलाही के सिवा किसी और चीज को शामिल न करें, ये इखलास है नियत में और कस्द कुर्बत यही है, ये होना चाहिए। अब उसमें जबान पे जारी करना जाहिर है, मालूम है कि असलन लाजिम नहीं है कि इंसान जबान पे नियत को दोहराए। फिर अरबी में इंसान जो है वो वहां फंसा रहे कि कुर्बतन इल्लल्ला है या इलल्ला है या जरूरत ही क्या है, आप सिर्फ दिल में कि ये अल्लाह की रजा के लिए है और सुना वजू शुरू करें, यही काफी है। कस्द कुर्बत है, बेहतरीन कस्द कुर्बत यही है कि खुदा की इत्तेदात फरमान बरदारी और रजायत तो खुशनुदी के लिए हो। और इसके अलावा जैसा कि पहले भी अर्ज किया, फसूल जन्नत, फसूल नियामत जन्नत और जहन्नम से दूरी वगैरह का कसद करके भी आप कर सकते हैं, ये भी कसद कुर्बत है। ये निचले दर्जे का कसद कुर्बत है और बालातरीन दर्जा यही कि सिर्फ खुदा मुताल की इतामत फरमान बरदारी और रिजायत खुशनुदी के लिए हो, ये इरादा करना है सिर्फ दिल में और इसी इरादे से आपने वुजू शुरू करना है। और वुजू चेहरे से शुरू हो जाता है, चेहरा धोने से वुजू का आगाज हो जाता है। बाकी मुकदमात वुजू हैं जो कि मुस्तहबात में जिक्र हो जाएंगे, हाथों का कलाइयों तक धोना और मजमजा करना, मसलन मुंह में पानी डालना और इसी तरह से इस्तिनशाफ वगैरह, मसलन नाक में पानी डालना, ये चीजें मुस्तहबात वुजू में से हैं, मुकदमात वुजू। तो नियत जरूरी है, ये बारह कि इंसान ये नियत करे कि पूरा वुजू खुदावंद मुताल के हुक्म के इताअत के कसद से अंजाम दे कि खुदा मुताल ने मुझे बावजू रहने का हुक्म दिया है या नमाज के लिए वुजू करने का हुक्म दिया है, मसलन जो भी हो या इस्तेहबाब या वुजूब फर्क नहीं पड़ता। अगर नमाज का वक्त दाखिल हो चुका और नमाज पढ़ने की नियत है तो वुजू वाजिब है, और अगर वैसे आम कसद जो है मुतलक वुजू अंजाम देना चाहे जब भी अंजाम दे, चूंकि वुजू इबादत है और खुदा मुताल की रिजायत है और मतलूब परवरदिगार है तो हमेशा कसद जो है मुतलक वुजू अंजाम दे कि मैं वुजू बजा लाता हूँ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, कुर्बत अल्लाह ही, ये कसद होना चाहिए। तो ये काफी है, हर वो काम आप कर सकते हैं क्योंकि वुजू के लिए अगर मुतअद्दिद जो है मुतअद्दिद असबाब मौजूद हों, कुरान भी पढ़ना चाहते हैं, नमाज भी आप पढ़ना चाहते हैं मसलन, या मसलन कुरान को छूना चाहते हैं, मसलन आप तवाफ करना, जितने असबाब एक सबब काफी है और बाकी तमाम काम आप अंजाम दे सकते हैं। आप कुरान पढ़ने की नीयत से मसलन वुजू मुस्तहब है, वुजू करें, नमाज भी पढ़ सकते हैं, तवाफ भी कर सकते हैं, मतलब दाखे। इसी तरह से आप नमाज की नीयत से वुजू करें तो आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, आप जो बाकी जिन चीजों के लिए तो एक सबब काफी है। तो लिहाजा इंसान बेहतर ये है कि कसद मुतलक होना चाहिए कि मैं खुद वुजू अंजाम दे देता हूँ जिससे मैं हर काम कर सकूँ। पूरा वुजू अल्लाह के इताअत के लिए होना चाहिए। तअब्बुदी वाजिबात
वो वाजिबात जो इबादत कहलाते हैं, ताबुदी वाजिबात कहलाते हैं, जिसमें नमाज है मसलन, वुजू भी है मसलन, गुस्ल भी है और रोजा है और इसी तरह हज है वगैरह, तो ये ताबुदी वाजिबात कहलाते हैं। इनमें कस्द कुर्बत शर्त है, नियत में कस्द कुर्बत वाजिब है और जरूरी है। कस्द कुर्बत के बगैर ये इबादतें बातिल हो जाती हैं। वुजू आप सात समंदर में भी नहाए अगर कस्द कुर्बत ना हो गुस्ल नहीं होता, वुजू भी इसी तरह से। ये चीजें चाहिए। इबादत के सही होने की एक शर्त ये है, शर्त है, ये शर्त लाजिमी है। शर्त ये है कि अमल के शुरू करने से पहले कस्द कुर्बत की नियत करें, वुजू करने से पहले फिर नियत के साथ वुजू शुरू करें, वुजू अंजाम देने से पहले कस्द कुर्बत करें और अमल के मुकम्मल होने तक ये नियत बरकरार रहे। आपने नियत की अल्लाह की रजा के लिए मैं वुजू करता हूँ, वो चेहरा धोना शुरू करें फिर हाथों को धोने उसी नियत के तसलसल के साथ और इसी नियत से दायां हाथ बायां हाथ और मिसल का मसा और पैरों का मसा, तो ये तसलसल है नियत और तसलसल कस्द कुर्बत नियत में जरूरी है कि बीच में कोई और नियत ना हो, मसलन ये चीज चाहिए बीच में कोई और नियत ना हो। चेहरा आपने वुजू की नियत से धो लिया मसलन, फिर मसलन हाथ पे जो है कुछ या कोई चीज मसलन पड़ जाता, आप हाथ धोने की नियत से आगे, फिर वो वुजू शुमार नहीं है, वुजू के अलग से वुजू की नियत से ही पानी डालना होता है। फुकाहा की निगाह में नियत एक कल्बी अमल है, दिल से उसका ताल्लुक है, जरूरी नहीं है कि जबान पे जारी करें, अगर जो हरज नहीं है कि उसी नियत को जबान पे जारी करें, अगर दिल में कसद ना हो सिर्फ जबान पे जारी करें वो असलन नियत नहीं है, लेकिन दिल में नियत है कि वुजू करना है और वुजू भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए अंजाम देना है और इसी नियत को जबान पे जारी भी करना चाहें तो कोई हरज नहीं है। इबादत के सही होने की शर्त इखलास भी है, नियत में इखलास होना, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो किसी की खुशनुदी के लिए मसलन किसी और की, तो ये अगर रिया आ जाए दिखावा आ जाए तो ये अमल हराम है और ये रिया भी हराम है। कुल्लु रिया इन शिरकुन, हर किस्म का दिखावा इबादत में शिरक के जुमरे में आ जाता है, शिरक खफी। वो मुशरिक जिसके बाद वो इंसान नजीस नहीं होता, मुसलमान भी है लेकिन अंदर शिर्क भी है, इस तरह इबादत दिखाने के लिए अंजाम दे, हर वो चीज जो खुदा के लिए होना चाहिए हम दूसरों के लिए अंजाम दे वो शिर्क आ जाता है। तो ये मोमिन मोमिनीन में भी मुसलमानों में भी शिर्क खफी होता है। पैगंबर साहब ने फरमाया रात की तारीकी में काले पत्थर पर काली चोटी के चाल से भी ज्यादा मख्फी है शिरक खफी इंसान में, इंसान खुद भी शायद महसूस ना करे, वहां रियाकारी आ जाती है। तो ये शर्त है कि इखलास हो यानी रियाकारी ना हो किसी को दिखाने की, चाहे आप दुआ पढ़ते हैं चाहे आप नमाज पढ़ते हैं चाहे आप कराहत करते हैं चाहे आप खिताबत करते हैं चाहे आप नोहे पढ़ते हैं मनकवत पढ़ते हैं, सब में अगर दूसरों की खुशनुदी मद्देनजर हो तो इंसान सवाब से महरूम हो जाता है। अगर इबादत में हो तो फिर हराम भी है गुनाह भी और गुनाह कबीरा भी है, तो लिहाजा हराम भी है रिया दिखावा इबादी आमाल में और हराम होने के साथ साथ बुतलान अमल का भी सबब है। नमाज में हो तो नमाज बातिल है, नमाज दिखाने किसी को दिखाने के लिए दिखावा जिसको कहते हैं, दूसरों की तवज्जो जल्ब करना मकसूद हो, दूसरों से तारीफ चाहते हो, दूसरों से दाद लेना चाहते हो कि मैं कैसी नमाज पढ़ता हूँ मेरी किरात ऐसी है तो मैं इस तरह मनकवत में इस तरह किरात में इस तरह खिताबत मसले तमाम चीजें सब इसमें शामिल है, दूसरों की तवज्जो जल्ब करना हो तो वो अमल अगर इबादी है तो अमल बातिल हो जाता है। अगर खुद को दिखाना चाहता है कि खुद को दिखाना चाह जाहिर करना चाहता है शोहरत तलबी या ठंडक पहुंचाने के लिए वजू करे गुस्ल करे मसलन और इन जैसे कामों के लिए अगर वुजू करें तो बातिल है। तो ये वुजू जिसमें चेहरा हाथों का धोना और सारों पैरों का मसा यही मुख्तसर अमल, इसमें भी अगर दिखावा हो तो वुजू बातिल है, दोबारा आपको वुजू करना होता है।
तो लिहाजा खुलासा बस वुजू में इखलास शर्त है कि पूरा वुजू अव्वल से आखिर तक खुदा मुताअब्बी रिजायत और खुशनुदी के लिए हो। तो लिहाजा खुदनुमाई अगर है रिया है तो वुजू वाजिब है। वुजू में दो चीजें हो रहा है, वुजू में चेहरा धोना वाजिब है लंबाई में पेशानी के ऊपर जहां बाल उठते हैं वहां से ठुड्डी तक ये धोना वाजिब है और लंबाई में और चौड़ाई में अंगूठे और बीच वाली उंगली के दरमियान जितना हिस्सा आता है उसे दो ले कुछ ज्यादा भी दो ले ताकि यकीन हो जाए ये वाजिब है। अगर इस मकदार में जरा भी हिस्सा रह जाए तो वुजू बातिल है और वुजू में चेहरे को ऊपर से नीचे धोना वाजिब है। इस तरह से धोना चाहिए कि और उसमें कहा जा सके इसने ऊपर से नीचे धोया है यानी पेशानी की तरफ से नीचे की तरफ धोने आपने इधर हाथ रखे नीचे दो उधर हाथ रखे नीचे ऊपर नीचे से ऊपर नहीं धोना चाहिए क्रास में भी नहीं धोना चाहिए इस तरह और इस तरह और इस तरह गुलाई में भी न करें पेशानी किस तरफ से शुरू करें इस तरफ से गुलाई में ये चीजें जायज हैं। मुख जहां भी हाथ रखे नीचे को खींचें इस तरफ रखे नीचे खींचे इधर खींचे नीचे चेहरा गोल है तो वो मसला नहीं है चेहरा गोल है गुलाई में मुदव्वर आ जाएगा ऊपर से नीचे और उसमें कहा जा सके इन्हें देखने वाले के यहाँ ऊपर से नीचे धो रहा है तो नीचे से ऊपर और इस तरह दाएं से बाएं और या क्रास में या दायरे की सूरत में बच्चे मुंह धोते हैं आप बच्चों को देखा और मुंह डालते हैं इस तरह घुमाते हैं ये जायज नहीं है। العز الجل الاكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم نور قلوبنا يا الله وبيض وجوهنا يا الله واهلك اعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وامن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحق محمد واله الطيبين الطاهرين الى ارحم المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا الفاتحه